Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss question number 3 of exercise 3.3. So here our question is, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. देख क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं थर्ड पार्ट की, जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। आपको इन्हें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन बना के, और कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। अब इसमें जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स हैं वह मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको 5th पार्ट को ही कवर अप करेंगे। हर सेशन में हम लोग एक पार्ट को कवर अप करके चलेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं इसका 5th पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है। अब ये जो फ्रैक्शन है, अगर आप इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं, इस नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। वहीं दूसरी कंडीशन में अगर आप 3 को ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। तो आपको बताने की एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं एक फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर यही तो होता है, ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर नीचे डेनोमिनेटर। तो हमें एक्चुअल फाइंड क्या करना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो इन्हीं को हम लोग एजम्पशन में ले लेते हैं। सपोज लेट द न्यूमरेटर, जस्ट अ सेकेंड, एंड डेनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। हम लोगों ने एजम्पशन में लिया कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो है ये हमारे क्या हैं, एक्स और वाई, मतलब न्यूमरेटर एक्स है डेनोमिनेटर वाई है। अब इतना करने के बाद हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई। सो द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब केस वन में हमसे कहा गया था कि 2 को ऐड करा गया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। केस वन, 2 इज एडेड टू द फ्रैक्शन, तो ये हो गया x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, दोनों में ऐड किया गया है, इसलिए ऐड करने पे हमारा फ्रैक्शन बन गया था 9/11, यही बना था। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। सो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाना है इसे, तो एक काम करते हैं हम लोग वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। 11x माइनस 9y, इस 9y को मैं यहाँ ले आया हूँ, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन 1। अब हमारे पास केस 2 है, इफ 3 इज एडेड टू द फ्रैक्शन। सो हियर वी गो, हमारा फ्रैक्शन क्या था, x और y। इसमें क्या कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड, डेनोमिनेटर में भी 3 को ऐड, और ये फ्रैक्शन बन जाएगा, जस्ट अ सेकंड में चेक कर लूँ, 5/6। क्वेश्चन में 5/6 दे रखा है, इसे भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 इंटू एक्स 6x, 3 इंटू 6 18। अब तो सिंपल सॉल्व ही तो करना है, इसमें अब कुछ बचा क्या है, 6x को यहीं रहने दीजिए, 15 5y को यहाँ ले आइए, 18 को उधर भेज दीजिए, 15 माइनस 18, इक्वेशन 2। सो अब हम लोग के पास दोनों इक्वेशंस आ चुके हैं, सॉल्व करना है कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके।
सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था हमसे कि आपको किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वैल्यू को निकालना है, या तो एक्स को या फिर वाई को। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को ही उठा लेते हैं। -3। सो आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की या फिर वाई की। मैं एक्स की निकाल ले रहा हूँ, 6x इक्वल टू 5y को उधर भेज दीजिए, प्लस का बन जाएगा और -3 एज इट इज़। एक्स की वैल्यू हो गई 5y -3 अपॉन 6। इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आई थी 5y -3 अपॉन 6, यही आई थी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 11x -9y इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। सो x की जगह पे पुट करना है 5y -3 अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो 6 है -3 के नीचे नहीं है, ये इस पूरे के नीचे है, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो 11 का इसमें हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 55y -33। और आप एक काम करिए, इस 6 का एलसीएम ले लीजिए, 6 का इस 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 9 54y। अब ये इस पूरे के नीचे आ जाएगा 6 -4। इस 6 को आप यहाँ भेज दीजिए, 55 -54y, तो ये बचेगा y -33। और ये 6 जो है यहाँ पे चला गया, बन गया -24। सो y इक्वल टू -33 उधर चला गया, प्लस का बन गया -20। सो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ओके। अब इस y की वैल्यू को आपको यहाँ x की जगह पे पुट करना हुआ है, थर्ड इक्वेशन में, विच इज़ x इक्वल टू 55 -3 अपॉन 6। इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। सो हेयर वी गो, x इक्वल टू 5y -3 अपॉन 6, x इक्वल टू 5 इंटू y यानी 9 -3 अपॉन 6, x इक्वल टू 5 इंटू 9 45 -3 अपॉन 6, x इक्वल टू 45 -3 42 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 7, ओके। सो आपके पास x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन था क्या था, x अपॉन y, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन 9। जस्ट अ सेकेंड। सो फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9, ओके। ये हो गया आपका फ्रैक्शन, इसे ही हमें फाइंड करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें मेरे को लग नहीं रहा था कुछ टफ था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका जो 6th पार्ट है, 3rd क्वेश्चन का, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। प्लीज क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।